हेलो एवरीवन, मैं आपका होस्ट और दोस्त आकाश ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइज, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे वैदिक सभ्यता से 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और जैसा कि आपको पता है, मैं सबसे पहले आपको जो भी टॉपिक स्टार्ट करना होता है सब्जेक्टिव में, उसके पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराता हूं, फिर उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ाता हूं, और उसके बाद हम एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट रखते हैं। वैसा ही हम इस बार करेंगे। 25 क्वेश्चन की पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे थोड़ी सी चीज़ें हमें समझ में आए, साथ के साथ आप जवाब दे सकते हैं, जिससे कि आपको अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। आपको मालूम हो जाएगा कि आपको इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीके जो है वो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं होता है, एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं होता है। जीके हर एग्जाम में पूछी जाती है। अगर जीके चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो ये नहीं कि एक पर्टिकुलर एग्जाम की अलग से पढ़ाई हो, आप जीके एक साथ भी पढ़ सकते हैं। जो लोग देख रहे हैं मेरे को, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का वीडियो हो, या फिर आरपीएफ का एग्जाम आने वाला हो, या फिर हरियाणा के एग्जाम्स हो, जीके आपका वही आएगा। लेकिन अगर जो स्टेट एग्जाम होता है उसमें 5-10 नंबर का स्टेट एग्जाम्स स्टेट जीके भी आता है, बस ये फर्क होता है, अदरवाइज जीके आपका सेम ही रहता है लगभग। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, पढ़कर जवाब दीजिए। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को, पहले मंडल से 6ठे मंडल को, तीसरे मंडल से 8वें मंडल को, या फिर 4थे मंडल से 9वें मंडल को। तो जो ऋग्वेद के जो 6 मंडल है जिन्हें वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है, वे है दूसरे से लेकर 7वें मंडल। कौन से? दूसरे से 7वें मंडल को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आता है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ऑप्शन आपके सामने है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्वेद। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जिसमें हम जादुई माया और वशीकरण के बारे में पढ़ते हैं, वो है अथर्वेद। अथर्वेद हमारा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आर्य शब्द इंगित करता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, आर्य शब्द क्या बताता है, नरजाति समूह को, यायावारी जन को, भाषा समूह को, या फिर श्रेष्ठ वंश को। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द बताता है श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 7, 8, 9 या 10, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। हमारा इसका करेक्ट आंसर है 10 मंडल है। फटाफट कमेंट करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आर्य भारत में संभवतः आए यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, या फिर अन्य क्षेत्रों से। सभी को इसका जवाब पता होगा, आर्य जो भारत में आए थे वो आए थे मध्य एशिया से। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा वेद अंशतः गद रूप में भी रचित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्वेद, बताइए क्या होगा, कौन सा वेद गद रूप में भी है। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यजुर्वेद। क्या होगा? यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्वेद में। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अथर्वेद में। किसमें? अथर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, सभा, समिति, विदत या परिषद। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विदत। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी विदत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण या फिर पंचविश ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ग्रंथों में जो सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण है वो है शतपथ ब्राह्मण। क्या है? शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा ये, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या फिर सूत्र काल में। तो जो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी वो आई थी उत्तर वैदिक काल में। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार, अष्टाध्यायी के रचनाकार आपसे पूछा गया है। सभी को इसका आंसर पता होगा, पाणिनि जो है वो है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। सबसे प्राचीनतम स्मृति के बारे में आपसे पूछा गया, मनु, याग्वल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या फिर पाराशर स्मृति। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मनुस्मृति, जो है वो सबसे प्राचीनतम स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, इसका जवाब आप कमेंट के अंदर बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। देखते हैं कितने लोग आप लोगों में से किसका सही जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम पुराण क्या है। बहुत आसान है,
मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। प्राचीनतम पुराण जो है वो है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, सिंधु, सरस्वती, परुषणी या सतुद्री? तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी, कुल, कुटुंब, ग्राम, विष या जन? तो जो वैदिक समाज की सबसे आधारभूत इकाई थी वो थी कुल कुटुंब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा इंद्रा। क्या होगा? इंद्र इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद या वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अथर्ववेद। किसे? अथर्ववेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? जो नारी थी उसे तीन बुराइयों में शामिल किया गया कि अगर आप इनका दोष पालोगे तो ये बहुत बड़ी बुराई है आप लोगों के लिए। मैत्रायणी संहिता, जाबाल उपनिषद, सतपथ। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, प्रजापति, इंद्र, विष्णु या रुद्र? तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रजापति। तो करेक्ट आंसर है प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से या फिर अर्थशास्त्र से? तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मनुस्मृति जो संबंधित है वो है समाज व्यवस्था से। करेक्ट आंसर होगा ए। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की गई थी विश्वामित्र द्वारा। हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, भारत या ईरान से, इसराइल से या मिस्र से? तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ईरान से। क्या होगा? ईरान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन को वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तब तक मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताता हूं, देखता हूं कितने लोग सही बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कुंभा और क्रमु। क्या होगा? कुंभा और क्रमु जो है वो बताती है कि अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध था। एक क्वेश्चन था शायद, आई होप थोड़ा सा मिस हो गया होगा, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैत्रायणी संहिता। क्या होगा? मैत्रायणी संहिता। तो गाइज ये थे हमारे 25 क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और बताइएगा कि मेरा आपको एक तरीका, चीज़ों को कराने का तरीका कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ नई चीज़ें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।